हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग राधे राधे राम राम कैसे हो आप सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास एक बार जरा कमेंट करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ आपका ओ है जो भी बच्चे नए हैं तो बच्चा आपको पता है कि बहुत ही जल्द आपकी आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है आप लोग कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पर आप विजिट कर लीजिए खुद हमारी वेबसाइट है यदि आप उन पर भी विजिट करोगे तो आपको पता लग जाएगा नवंबर में एक्सपेक्टेड ये वैकेंसी आपकी पूरी पूरी है अब मैम बिल्कुल एकदम डेट आप कब से ऐसे कैसे बोल सकते हो नवंबर में क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया है डायरेक्टिव फोर्टी को लेकर जिसमें क्लियर बोला गया है कि सीबीटी आरआरबी कराएगी आपका फिजिकल मेडिकल डीवी ये सारा काम आरटीएफ का होगा बना हुआ है, प्रेशर बना हुआ है ये सारी आपको पता ही है सो so, प्लीज जो भी बच्चे हैं जो भी रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं आप यू समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपकी रेलवे की क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो चैनल को एक बार आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे डेली क्लासेस के लिए हाँ जी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू ठीक है जो बच्चे है ना शाम का समय हो गया थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू हो गई होगी है ना है कि नहीं ओके कितने बच्चों ने फास्ट रखा है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ओके तो बच्चे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरती चौधरी के नाम से लिंक है वहां से बच्चा आप लोग मुझे एप्लीकेशन पर आ, एप्लीकेशन डाउनलोड करके साइंस आरती मैम के नाम से कम्युनिटी है बच्चा बच्चा वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हैं okay? ओके तो चलिए भाई कुछ बेहतरीन जो आपके लास्ट एग्जाम में आए हुए उनको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की क्लास के क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे ठीक है ओके okay जी तो चलिए बच्चा पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको पता है कि रेलवे का <coughs> चाहे कोई भी एग्जाम है रेलवे का चाहे कोई भी एग्जाम है आप लोग बिना साइंस के एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे है ना क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज जनरल अवेयरनेस में भी साइंस की होती है तो चलिए इनमें से किसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है बताइए इनमें से किसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है इनमें से किसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है फटाफट बताइए अब सिर्फ आपके कॉमेंट एबीसीडी में आने चाहिए इनमें से किसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है बहुत बिल्कुल बच्चा किसके अंदर आपका अगर आप लोग रेलवे वाले बच्चे हो तो ठान लो मान लो अपने दिमाग में कि भैया साइंस के बिना सिलेक्शन नहीं होगा है ना क्योंकि आपके पेपर में इंग्लिश नहीं आती है लेकिन हाँ एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा अच्छे लेवल की साइंस है मैंने भी क्योंकि मुझे पता है भैया नवंबर में वैकेंसी आने वाली है आपके नए क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए हैं उन क्वेश्चन में मैं कोशिश कर रही हूँ पिछले दो साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे ही नहीं जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके वो सारे क्वेश्चन कलेक्ट करने शुरू कर दिए हैं रेलवे के क्वेश्चन आपके कलेक्ट करने शुरू कर दिए हैं जहां से हमें हिंट मिलेगी जहां से हमें हेल्प मिलेगी कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे लेकिन मेहनत आपको ही करनी होगी बच्चा मैं आपको गाइड करूंगी उसमें अपना हंड्रेड परसेंट आप लोगों को देना होगा और अपना हंड्रेड परसेंट बच्चा मैं दूंगी तभी बात बनेगी अगर दोनों में से कोई एक भी पीछे रहा तो आपकी नैया डगमगा सकती है ठीक है बिल्कुल बच्चा तो नींबू के अंदर इमली के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है टार्टारिक एसिड इमली के अंदर टाटारिक एसिड सेब के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है मैलिक एसिड सेब के अंदर आपका मैलिक एसिड पाया जाता है ठीक है उसके बाद में चीटी के अंदर अगर पूछा जाए चींटी के अंदर हालांकि लाल चींटी के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और यदि आपसे काली चीटी पूछी जाए तो उसके अंदर मिथेनोइक एसिड उसके अंदर बच्चा आपका एसिड पाया जाता है दूध के अंदर आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध है या दही है दोनों के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है मक्खन के अंदर मक्खन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है ब्यूटेरिक एसिड कौन सा बच्चा आपका ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है सिरके के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है सिरके के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है एसिटिक एसिड ओके एसिटिक एसिड क्लियर ठीक है बच्चा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या रहेगा अगला क्वेश्चन विच ऑफ दीज इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट इन द प्रोसेस कोल्ड फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्रोसेस है यानी प्रकाश संश्लेषण में सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है बताइए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो प्रकाश संश्लेषण में आपकी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है लाइट एनर्जी जो होती है वो बच्चा किसमें केमिकल एनर्जी में बदलती है कैलेमाइन इज मेजर ओर ऑफ कैलेमाइन इनमें से किसका एक मुख्य अयस्क है कैलेमाइन इनमें से किसका एक मुख्य अयस्क है बताइए कैलेमाइन इनमें से किसका एक मुख्य अयस्क है तो कैलेमाइन बच्चा किसका अयस्क है जिंक का किसका है बच्चा ये आपका जिंक का एक अयस्क है कुछ इंपोर्टेंट और है जैसे लेड का पूछा जाता है सबसे ज्यादा गैलेना ठीक है जिंक का सबसे ज्यादा कैलेमाइन पूछा जाता है कोपर का सबसे ज्यादा आपका पाइराइट पूछा जाता है और मरकरी का सबसे ज्यादा सिनेबार यानी कि मरकरी सल्फाइड पूछा जाता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जॉर्ज साइमन ओम इन हुज ओनर वी हैव द फेमस ओम्स लॉ हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री ओम साहब जो थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे ओम साहब जिन्होंने ओम का नियम दिया और ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी परिपथ में आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएगी यानी वी इज प्रोपोर्शनल टू आई और जब भी कभी इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है और वो कॉन्स्टेंट है यहाँ पर आर तो आर की वैल्यू क्या निकल के आती है वी अपॉन आई आर की वैल्यू क्या निकल के आती है बच्चा आपकी वी अपॉन आई तो जो ओम साहब थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे जर्मनी से किससे बच्चा आपकी जर्मनी से बिलोंग करते थे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इन विच ब्लड चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ जेल हमारे शरीर में ब्लड यानी कि खून का थक्का बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जैसे ही आपको चोट लगती है चोट लगने के थोड़ी देर बाद ही जो खून बह रहा होता है वो रुक जाता है है ना इसमें बहुत सारे कारक हैं जो मदद करते हैं हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन हीमोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबिन और साथ ही साथ विटामिन के कैल्शियम ये सब वो कारक हैं जो खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं जैसे ही चोट लगती है थोड़ी देर बाद खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है ना क्यों क्योंकि ये सारे कारक शुरू हो जाते हैं अपना काम करना और ये सब खून का थक्का जमाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कंदन यानी कि ब्लड कोग्युलेशन एनिमिया क्या होता है एनीमिया बीमारी है अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है या कुछ किताबों में लिखा मिलेगा यदि आपके शरीर में आरबीसी की संख्या में कमी है एक और चीज रिलेट होती हुई नजर आती है ये बीमारी बच्चों में भी देखी जा रही है आजकल बहुत ज्यादा जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर भी देखी जा रही है यदि आपके हाथ और पैर आपको नीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं अपने शरीर पर प्रॉपर कहीं पर भी दिखाई देते हैं नीले रंग के धब्बे तो आपको एनीमिया हो सकता है आपके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है अब जिन लोगों में आयरन की कमी है उन लोगों में एक और बीमारी आजकल देखी जा रही है इंसोमानिया इंसोमानिया आपको पता है एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान को रात के समय या नॉर्मल भी नींद बहुत कम आती है और ये आप लोग मुझे ईमानदारी से बताएंगे कि आप में से कितने बच्चे हैं जिनको नींद कम आती है चलिए मैं आपको यहीं पर एक सॉल्यूशन बताती हूँ फिर उसका कि आप क्या कर सकते हो जिससे आपको प्रॉपर नींद आए क्योंकि यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है ना तो एक स्टूडेंट लाइफ में छ से सात घंटे कोशिश करो सात घंटे सो सको अपने पूरे दिन को इस तरह से प्लान करो कि ये सात घंटे तो सोना ही सोना है अगर कोई आपसे ये बोलता है ना स्टूडेंट हो चार घंटे सो जाओ पांच घंटे सो जाओ बेटा आप अपनी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो और कम सोने से एग्जाम क्रैक नहीं होते कभी नहीं होते ना लाइफ में सफलता मिलती है आप कभी भी किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बात सुन लीजिए हर कोई छः से सात घंटे मिनिमम अपने शरीर को रेस्ट देता होगा चौबीस में से सात घंटे रेस्ट हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए अब बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है जहां पर लोग बोल रहे हैं कि मैम मुझे रात को नींद नहीं आती ये बहुत है भाई ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है मैं बता रही हूँ ना भाई ऐसी थोड़ी मैंने पूछा है मुझे पता है बच्चों की प्रॉब्लम है तभी तो मैंने आपसे पूछा है कि आप मुझे एक बार बताइए है ना चलिए हाँ बिल्कुल भाई हमने यहाँ फील किया है आपका भूकंप आया था थोड़ी देर पहले फरीदाबाद में ही आ, सेंटर बताया जा रहा है इवन भूकंप का हालांकि इंटेंसिटी कम थी बट मुझे मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी बट मुझे फील हुआ है फर्स्ट फ्लोर तक बिल्कुल एकदम प्रॉपर पंखे वंखे सब हिले हैं हिलता हुआ सब कुछ फ्लोर मतलब फील फील हुआ है ओके बच्चा चलिए अब देखो एक चीज आप लोग देखेंगे इंसोमानिया नींद कम आना इसका रीजन अगर मैं एनिमिया से रिलेट करूं तो कैसे हो सकता है हमारे शरीर में आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है जो आयरन है वही ऑक्सीजन को हमारे हर एक पार्ट तक लेके जाता है ठीक है वही ऑक्सीजन पहुंचा रहा है अब जब आयरन की ही कमी है आरबीसी की ही कमी है तो हमारे हर एक प्रॉपर ऑर्गन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है जिनमें से आपका ब्रेन भी है क्योंकि हम जितनी भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उसका 20 प्रतिशत हमारा ब्रेन कंज्यूम कर लेता है उसका 20 प्रतिशत हमारा ब्रेन ही कंज्यूम कर लेता है अब उसके पास उतनी ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही है जितने की उसको जरूरत है तो जो हमारी सेल्स हैं उनको प्रॉपर क्या होगा उनको बहुत ज्यादा आपका एनर्जी नहीं मिलेगी जहां पर वहां पर कुछ आपका देखा जाता है कि कम केमिकल रिलीज होते हैं जिससे इंसान को इंसोमानिया हो सकता है हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है बट रिलेट डॉक्टर्स ने करना शुरू कर दिया है दूसरी चीज होती है कितने बच्चे हैं क्लास में जो रात को सोने से पहले मोबाइल देखते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप देखते हो ठीक है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यदि आपके पास में है पढ़ाई के अलावा आप गेम खेलते हो चैट करते हो कुछ भी करते हो यदि तुमने कमरे की लाइट बंद की है और उसके बाद में तुम मोबाइल देख रहे हो तो देखो होता क्या है एक ग्रंथि है हमारे ब्रेन में जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि वो पीनियल ग्रंथि एक मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है वो मेलाटोनिन हॉर्मोज अंधेरे में सीक्रेट होता है सूरज ढलने के बाद लाइट बंद होने के बाद अब आप क्या कर रहे हो लाइट आपने कमरे की तो बंद कर है घर वालों को दिखाने के लिए कि सो रहा हूं। लेकिन आप लगे हुए हो बाबू बेबी के चक्कर में है ना अब आपकी आंखों पर मोबाइल की जो लाइट है वो लाइट पड़ रही है आंखों से सिग्नल जाएगा ब्रेन में अब बेचारा जो ब्रेन है वो कंफ्यूज है कि लाइट आ तो रही है लेकिन कम आ रही है तो इसीलिए वो मैलाटोन हार्मोन प्रॉपर सीक्रेट नहीं होगा जिससे आपको नींद ना आने की बीमारी स्पेशली बच्चों और यंगस्टर्स में लगातार बढ़ती जा रही है ठीक है ओके बेटा 15 से 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो 15 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो आप लोग ठीक है चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं द मेथड दैट कैन नॉट बी रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इनमें से किसके जरिए हम अगर पानी के अंदर परमानेंट इम्प्योरिटीज है कैल्शियम सल्फेट की क्लोराइड की मैग्नीशियम सल्फेट की क्लोराइड की तो इनमें से हम किस मेथड के जरिए उसको प्योर नहीं कर सकते यानी इम्प्योरिटीज को नहीं हटा सकते हैं लाइट को कंट्रोल करता है बेटा कोर्निया आंखों में लाइट को कंट्रोल करने का कार्य होता है कोर्निया का ठीक है तो भाई उबाल कर अगर पानी के अंदर बाइकार्बोनेट की इंप्योरिटीज है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट तो उसको आप उबालकर या क्लार्क विधि के द्वारा हटा सकते हो लेकिन अगर पानी के अंदर क्लोराइड और सल्फेट की इंप्योरिटीज है तो उनको आप उबालकर नहीं हटा सकते उसके लिए हमको जिओलाइट मेथड का इस्तेमाल करना होता है मैम ये जिओलाइट मेथड क्या है ये आपका एक स्पंज होता है जियोलाइट जिसको पानी के अंदर डाला जाता है और ये अपने अंदर इंप्योरिटीज को सोख लाता है चलिए विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ई एम स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ आपको बढ़ते हुए क्रम में यानी वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में इनको अरेंज करना है सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है और सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है बताइए सुनील बेटा दिल्ली पुलिस के लिए क्लास हुई है और ये क्या फालतू की के भेज रहे हो तुम क्लास में तो सबसे छोटी किसकी होती है गामा की और सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है रेडियो वेव्स की ठीक है गामा किरणों की सबसे कम होती है और रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन द्रव्यमान संरक्षण नियम इनमें से किसने दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम इनमें से किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था आइजक न्यूटन एवो रदरफोर्ड या एंटोनी लोरेंट लोवेजियर चलिए जी बताइए ठीक है आइज न्यूटन तो देखो बच्चे आपने गति के नियम दिए न्यूटन के नियम दिए बल्कि परिभाषा ग्रेविटी इन सब के बारे में बताया एवोगैड्रो ने एवोगैड्रो नंबर के बारे में बताया था रदरफोर्ड ने नाभिक की प्रोट्रोन की इन सब की खोज की थी तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा अगर आप लोग कंफ्यूज भी हो तो आपके पास में एक ही ऑप्शन बचा कि लोबेजियर साहब ने आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम दिया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेटेलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ नेटेलाइट इनमें से किस किस का मिक्सचर है हेलो प्रेरणा कैसे हो बच्चा नेटेलाइट इनमें से किस किस का मिक्सचर है तो नेटेलाइट बच्चा आपका मिक्सचर है ईथर और एल्कोहल का किसका है बच्चा ये आपका ईथर और एल्कोहल का मिक्सचर है ओके okay, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बेस्ट रिफ्लेक्ट द ओस्टवल्ड डाइल्यूशन लॉ ओस्टवल्ड डाइल्यूशन लॉ इन मी से किसके द्वारा दर्शाया जाता है ओस्टवल्ड डाइल्यूशन लॉ अब आपको पता है ओस्टवल्ड साहब ने क्या बात कही थी कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ एनी आयन इज ऑलवेज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सी के ठीक है या प्रोपोर्शनल टू के ठीक है क्लियर जी तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो इसको हम लोग नॉर्मल वैसे रखेंगे क्योंकि ऊपर दोनों के ठीक है थ्योरी जिस दिन पढ़ाऊंगी खैरा डिजीज इन राइस इज कोज ड्यू टू द एलिमेंट धान या चावल के अंदर खैरा रोग इनमें से किसकी कमी के कारण होता है धान चावल के अंदर खैरा रोग इनमें से किसकी कमी के कारण होता है चलिए बताइए तो यदि यदि मिट्टी में या पौधे के अंदर जिंक की कमी हो जाए तो उसको बच्चा खैरा रोग खैरा रोग में इस तरह से आपकी पत्तियां जो होती हैं खराब होनी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद में धीरे धीरे चावल पर भी इफेक्ट आता है चावल भी खराब होता है पायसोल्युसाइट इज एन इंपोर्टेंट द फॉलोइंग एलिमेंट पायसोल्यूसाइट इनमें से किसका एक महत्वपूर्ण अयस्क है बताइए पायसोल्युसाइट इनमें से किसका एक महत्वपूर्ण अयस्क है बताइए जी तो पाइसोल्यूसाइट इनमें से किसका एक महत्वपूर्ण अयस्क है मैंगनीज का किसका है बच्चा ये आपका मैंगनीज का एक महत्वपूर्ण अयस्क है सोक एब्जोबर्स आर यूजली मेड ऑफ स्टील एज इट जो सोक अवशोषक होते हैं हम उन्हें स्टील के ही बनाते हैं आखिरकार क्यों हम उन्हें स्टील के क्यों बनाते हैं बताइए क्योंकि जो स्टील है इसकी जो इलास्टिसिटी होती है इसकी जो आपकी इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है इसीलिए शोक तो अवशोषक के रूप में हम किसका स्टील इस का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में जो हमारे पास टेबल है जिसको हेनरी मूजले द्वारा बनाया गया है उसमें कितने पीरियड्स हैं उसमें पीरियड्स की संख्या कितनी है बताइए उसमें पीरियड्स की संख्या कितनी है तो उसमें हाँ 18 से अठारह साल मिनिमम है बेटा अठारह साल मिनिमम है तो उसमें बच्चा आपके कितने पीरियड्स हैं सात कितने हैं बच्चा आपके सात पीरियड है ओके जी क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स फीमेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इनमें से कौन सा है ओवरी कौन सा है बच्चा ओवरी बोलोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ दोलोमीटर के अंदर हम इनमें से कौन सी का या रेज का इस्तेमाल करते हैं बोलोमीटर के अंदर हम इनमें से कौन सी रेज का इस्तेमाल करते हैं तो बोलोमीटर के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं इंफ्रा रेड का यानी कि अवरक्त किरणों का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट ओर ऑफ पोटेशियम पोटेशियम का इंपोर्टेंट और इनमें से कौन सा है एल्युमिनियम कहाँ पूछा है भाई पोटेशियम पूछा है तो भाई पोटेशियम का इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट ओर है कार्नेलाइट बॉक्साइड किसका है आपका एल्यूमिनियम का विच ऑर्गन ग्लैंड सिंथेसाइज्ड बाइल जूस हमारे शरीर में कौन सा ऑर्गन या ग्लैंड है जो बाइल जूस बनाती है चलिए बताइए बाइल जूस इनमें से कौन बनाती है हमारे शरीर में जूस बनाने का कार्य किसका होता है बच्चा लीवर का ठीक है बनाता लीवर है और स्टोर कौन करती है उसको गोल ब्लडर स्टोर कौन करता है बच्चा उसको गोल ब्लडर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैल्शियम सल्फेट डीहाइड्रेटेड इज कॉमनली नोन एज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड इज कॉमनली नोन एज इसका नाम बताइए कैल्शियम सल्फेट डाइड्रेटेड इज कॉमनली कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड का नाम क्या होता है बच्चा आपका जिप्सम इसका नाम क्या होता है बच्चा आपका जिप्सम होता है ठीक है इसका इस्तेमाल हम उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर के रूप में कर सकते हैं रियोस्टेट इज द अदर नेम ऑफ चलिए बताइए जिकल प्रोसेस दिटेड यूजली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इनमें से किस धातु क्रम क्रिया में अयस्को सामान्यतः वायु की उपस्थिति में उसके द्रवणांक बिंदु से नीचे गर्म किया जाता है उसके द्रवणांक बिंदु से नीचे गर्म किया जाता है बताइए तो किसमें करते हैं बच्चा हम लोग आपका रोस्टिंग आपका वो मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसको बच्चा आपके और को उसके मेल्टिंग पॉइंट से जस्ट मेल्टिंग पॉइंट से नीचे तक हम लोग क्या करते हैं गर्म करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका द ब्लैंक हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में इनमें से कान का कौन सा हिस्सा मदद करता है देखिए बच्चा यदि आप लोग देखो तो कान को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आउटर मिडल और इनर आउटर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं पिन्ना कहते हैं मिडल पार्ट में तीनों हड्डियां पाई जाती हैं मिस मिलस इनकस और स्टपीज ठीक है ये जो कान का इनर पार्ट है इस इनर पार्ट में एक फ्लूड एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या बच्चा आपका कि ये कान के अंदर हमें एक फ्लूड एक लिक्विड होता है जो हमें सीधा खड़ा रखने में मदद करता है साथ ही साथ कान के अंदर एक ट्यूब पाई जाती है जिसको हम कुंभकर्णी ट्यूब के नाम से जानते हैं वो ट्यूब है जो कान के पर्दे के अंदर दोनों तरफ आपके दबाव को बराबर रखने में मदद करती है स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है इन बायोलॉजिकल टर्म ब्लैंक इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट एंड अदर इज अनअफेक्टेड बताइए दो जीव ऐसे संबंध में रहते हैं जहां पर एक का प्रॉफिट है बट तो दूसरे का कोई नुकसान नहीं है एक दूसरे पर निर्भर है जिनमें से एक का प्रॉफिट है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं सहाभूजिता ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं सहभोजीता चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरे टेरेफ्थैलिक एसिड बहुत ही डिफरेंट और अलग क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक अम्ल का संघनन बहुलक है चलिए बताइए तो टेराफेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल से मिलकर इनमें से किसका निर्माण किया जाता है टेरेलिन का किसका निर्माण किया जाता है बच्चा टेरेलिन का संपर्क विधि या चैम्बर प्रक्रिया का उपयोग औद्योगिक स्तर पर किस रसायन के उत्पादन में किया जाता है संपर्क विधि या चैम्बर प्रोसेस का उपयोग इनमें से औद्योगिक स्तर पर किस रसायन उत्पाद के उत्पादन हेतु किया जाता है भाई लाइक करेश कुछ जम नहीं रहा है क्लास में जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है एक बार लाइक करेंगे जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है एक बार लाइक करेंगे ठीक है तो चैम्बर विधि द्वारा या संपर्क विधि द्वारा हम इनमें से कौन सा एसिड या कंपाउंड तैयार करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड क्या बच्चा सल्फ्यूरिक एसिड विच ऑफ दीज डायोड इज यूज टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स विच ऑफ दीज डायोड इज यूज टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल प्रकाशीय संकेतकों का पता लगाने के लिए इनमें से किस डायोड का उपयोग किया जाता है प्रकाशीय संकेतकों का पता लगाने के लिए इनमें से कौन से डायोड का इस्तेमाल किया जाता है फोटो डायोड, डायोड। चलिए वर्ड कोपस कैलसम रेफर्स टू इन फोर ब्रेन हमारे फोर ब्रेन में एक पार्ट पाया जाता है जिसका नाम है कोपस कैलसम इस कोपस कैलसम कैसा दिखता है और क्या कार्य होता है और इसका क्या कार्य होता है तो कोपस कैलिसम पहली बात तो दोनों ब्रेन ठीक है हमारा ब्रेन इस तरह से हेमोस्फेयर में डिवाइड है इनको जोड़ने का कार्य करता है और साथ ही साथ ये क्या होता है एक बहुत ज्यादा घने फाइबर जैसा दिखता है है ना जैसे बोल सकते हो ना तंतु के घने बैंड जैसा ये आपको दिखाई देगा जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करेगा

लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन गैस नहीं होती उसमें हीलियम भी मिला होता है उसमें आपका हीलियम और ऑक्सीजन दोनों ही मिले होते हैं ठीक है बच्चा दोनों ही मिले होते हैं जिसको हम लोग हीलियोक्स बोलते हैं है। मैम हमने हीलियम का इस्तेमाल क्यों किया क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है और यह एक ऐसी गैस है जो हमारे शरीर में खुद नहीं घुलेगी लेकिन हां हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिजोल्व को बढ़ा देती है ऑक्सीजन की घुलने की क्षमता को बढ़ा देती है तो नेक्स्ट टाइम तुमसे कुछ कोई भी पूछे इवन जिन लोगों को अस्थमा होता है दमा होता है वो जो इनहेलर यूज करते हैं उस इनहेलर के अंदर भी हीलियम और ऑक्सीजन ही होती है क्योंकि हीलियम वो गैस है जो ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिजोल्व को बढ़ा देती है लेकिन हमारे शरीर में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती एल्यूमिनियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिकलुमिनियम प्रति है, है लोहो चुंबकीय है कैसा है एल्यूमिनियम जो है ये आपका क्या है भाई प्रति चुंबकीय चुंबकीय लोह चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं चलिए बताइए ठीक है तो देखो बच्चा एल्यूमिनियम है आपका अनुचुंबकीय यदि आप प्रियोडिक टेबल को देखोगे ना तो प्रियोडिक टेबल कुछ कुछ ऐसी नजर आती है उल्टी टेबल जैसी यहाँ पर जितने भी आयरन के आसपास वाले एलिमेंट है वो सारे होते हैं लोह चुंबकीय है। जितने भी इधर होते हैं वो होते हैं अनुचुंबकीय है। और जो भी एलिमेंट इधर होते हैं वो सब होते हैं आपके प्रति चुंबकीय वो सब आपके क्या होते हैं डाई यानी कि प्रति चुंबकीय टी एन टी इज अर इज हाई एक्सप्लोसिव इज इट स्टैंडी की फुल फॉर्म पूछी गई है वी एन टी साथ ही साथ मैं दो अपनी तरफ से पूछती हूँ टी एन जी एंड टी एन बी टीएन टी होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन ओ टी एन जी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन टी एन वी ट्राई नाइट्रो ठीक है इस तरह के फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत बार बच्चे आपके एग्जाम में देखे गए हैं टेगमेंटम इज लोकेटेड इन मिड ब्रेन इट्स मेजर फंक्शन इज टेगमेंटम हमारे दिमाग में मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है चलिए बताइए तो टैगमेंटम का मुख्य कार्य क्या होता है दौड़ने चलने में मदद करता है मिड ब्रेन का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है भविष्य की स्थिति कोई लेना देना नहीं है मध्य मस्तिष्क और मस्तिष्क के अन्य हिस्सों को जोड़ने का कार्य करता है जैसे कि भाई ये आपका ब्रेन है इसमें ये वाला हिस्सा फोर ब्रेन ये वाला हिस्सा आपका पूरा क्या होता है हिंड ब्रेन और यहाँ छोटा सा पार्ट होता है मिड ब्रेन तो मिड ब्रेन के अंदर जो आपका टैगमेंटम है वो दिमाग के सारे हिस्सों को यानी कि मिड ब्रेन को अदर पार्ट से जोड़ने का कार्य करता है ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चा वो आपका सही आंसर होगा द प्लास्टिक व्हिच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टनड बाय हीटिंग और कोल्ड आपने देखा होगा ना देखते हो ना बहन जी देखो ऐसी प्लास्टिक है ऐसी प्लास्टिक है गर्म करने पर भी खराब नहीं होगी तो वह प्लास्टिक जिसको एक बार तुमने प्लास्टिक बना दिया और वो फिर गर्म करके भी हम उसको नरम नहीं कर सकते इस प्लास्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं इस प्लास्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ऐसे प्लास्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा आपकी सॉरी थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सॉरी बच्चों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसके अंदर पाई जाती हैं फॉलो ग्रुप तो कंपेनियन सेल्स इनमें से किसके अंदर पाई जाती हैं? एंजियोस्पर्म में आवर्त बीज में देखो एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनके बीज के ऊपर कवरिंग पाई जाती है जैसे आम और जिम्नोस्पर्म जिनके बीज के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती जिनके बीज के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है तो भाई देखो क्वेश्चन का लेवल तुमने देख लिया है अब इन्हीं सब चीजों को थ्योरी को थ्योरी में डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं पेड पेड क्लासेस क्लासेस में में के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाओगे आरती चौधरी के नाम से लिंक मिलेगा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा नहीं तो अड्डा टू फोर सेवन की वेबसाइट पर चले जाना सेम ही आपको इंटरफेस दिखाई देता है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे प्रॉफिट होता है होम पेज पर थ्री डोर्स दिखेंगे आप लोग ऐसे क्लिक करोगे और रेलवे पर आओगे रेलवे पर आने के बाद बच्चा आप लोग सिंपल आर क्लिक करोगे तो ये रहा आर का आपका बैच जिसमें एक ही क्लास हुई है अभी तक आपकी तेरह अक्टूबर से शुरू हुआ है एक ही क्लास हुई है वो भी रिकॉर्डेड मिल जाएगी और तो जिसको भी सिर्फ साइंस पढ़नी है कि मैम हमें एक बार ऐसी साइंस पढ़ लेनी है कि फिर हमें दोबारा ना पढ़नी पड़े देखो किसी भी पर्टिकुलर अगर तुम्हें सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है अगर वो तुम्हारा वीक है तो उसे अलग से समय देना चाहिए मेरा तो ये मानना है जैसे अगर मेरी पॉलिटी वीक है तो मैं पॉलिटी को अलग से पढ़ूंगी है ना बिल्कुल सारे सब्जेक्ट से अलग तो जिनको सिर्फ स्पेशल साइंस पढ़नी है आप लोगों को यह है कि भैया मुझे सिर्फ साइंस पढ़नी है ठीक है तो आप लोग रॉकेट साइंस का बैच ले सकते हो वाई चार सौ छियालीस कूपन कोड मांगता है एक आपसे यहाँ पर बाई नाउ पर क्लिक करोगे और कूपन कोड लगाओगे वाई चार सौ छियालीस तो आप लोगों को मात्र कितने रुपए में एक सौ अस्सी रुपए में बैच मिल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का अब हम लोग बात करते हैं बच्चा किसकी आपके आरपीएफ के कंबाइंड बैच की इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे आपका साइंस हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स एको, करंट अफेयर स्टेटिकी के मैथ्स रीजनिंग सब होगा इसका प्राइस कितना है तो बच्चा इसका प्राइस है आपका कितना बाई नाउ पर क्लिक करोगे और कूपन कोड लगाओगे बाई चार सौ छियालीस और जैसे ही अप्लाई करोगे मात्र आपको कितने रुपए में छ सौ नब्बे रुपए में डबल वैलिडिटी के साथ में ये मिल जाएगा और अगर तुम्हें आरपीएफ का बैच चाहिए और मेरा बैच भी चाहिए तब आप लोग लोगे रेलवे का वहां जिस पर डबल वैलिडिटी नवरात्रि है आपके इस वजह से डबल वैलिडिटी ओन है बाई नाउ पर क्लिक करोगे और कूपन कोड लगाओगे बाई चार सौ छियालीस और जैसे ही अप्लाई करोगे तो मात्र एक हजार रुपये में मात्र एक हजार रुपए में ये बैच बच्चा आपको मिल जाएगा इसमें एक हजार में डबल वैलिडिटी दो साल के लिए अब आपको पता है कि रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आएंगी और एग्जाम दो साल तक चलेंगे तो आई प्रेफर कि भैया ये रेलवे का महापैक ले लो दो साल के लिए टेंशन फ्री ए एल पी टेक्निशियन एन टीपीसी ग्रुप डी आर पी एफ इन सब की तैयारी इस महापैक में एक साथ कराई जाएगी है ना तो होपफुल ये भाई सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करेंगे और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा ठीक है आरपीएफ का सेपरेट बता दिया साइंस का बता दिया और महापैक भी बता दिया बाय बाय टेक केयर जय हिंद